हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फेसबुक पर अपना नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फेसबुक पर नाम को कैसे चेंज किया जाता है तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फेसबुक पर अपना नाम चेंज करने के लिए आपके फोन में जो फेसबुक की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपको क्या काम करना है, ये जो आपकी प्रोफाइल दिखाई दे रही है, आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जो है आप अपनी प्रोफाइल में आ जाओगे। अभी आप देखोगे मेरे फेसबुक का जो नाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, रोहित सेठ है, और मैं जो है इसे बदलने वाला हूँ। ठीक इसी तरीके से आप भी जो है अपने फेसबुक पर अपना नाम बदल सकते हैं। फेसबुक पर अपना नाम बदलने के लिए अब आपको ऊपर की साइड में ये जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी पर आपको जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो आपको क्या काम करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फिर से जो है एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आपको क्या काम करना है, सेटिंग पर ही क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अब जो है आपके सामने सेटिंग एंड प्राइवेसी की विंडो आ जाएगी। इसके अंदर जो है आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा कि आप ये देख सकते हो, तो आपको क्या काम करना है, पर्सनल डिटेल पर ही एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आप अकाउंट्स एंड सेंटर वाले ऑप्शन में आ जाओगे। अब फेसबुक पर अपना नाम चेंज करने के लिए यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, जिसमें आपका फोटो और प्रोफाइल लिखा होगा, तो आपको क्या काम करना है, इसी पर क्लिक करना है। ये जो प्रोफाइल लिखा है इसी पर आप क्लिक करिएगा। इसके बाद थोड़ा सा लोड लेगा और आपके सामने आपकी जो फेसबुक आईडी है वो दिखाई देगी। अब दोबारा से जो है आपको इस फेसबुक आईडी ये जो है इसी पर आपको एक बार जो है दोबारा से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर आप अपने फेसबुक पर नाम चेंज करना चाहते हैं तो ये जो नाम लिखा हुआ है ना, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम जो है इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने नेम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी दिखाई देगा। आप जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं इसको डिलीट करने के बाद वो नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर सेठ की जगह पर चौधरी लिख देता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने जो है यहाँ पर सेठ की जगह पर चौधरी कर दिया है, रोहित मैंने उसी तरह रहने दिया है। आपको जो भी नाम चेंज करना है आप इस तरीके से नाम चेंज कर लेंगे। नाम चेंज करते वक्त एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आप जब एक बार यहाँ पर नाम चेंज कर दोगे, इसके बाद आप दोबारा से 60 दिन बाद ही दोबारा से नाम चेंज कर पाओगे। यहाँ पर नीचे बताया गया है कि अगर आप एक बार यहाँ पर नाम चेंज करते हो तो दोबारा से अगर आपको चेंज करना हो तो 60 दिन का समय लगेगा। तो जो भी आप नाम चेंज करना चाहते हो उसे बड़ा ध्यान से चेंज करिएगा, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं नाम चेंज करने में तो दोबारा से आपको 60 दिन का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अब आपको नीचे की साइड में रिव्यू चेंज का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक और नाम सजेस्ट करेगा, तो आप चाहो तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यही वाला रहने देंगे, पहला वाला। इसके बाद जो है आपके सामने सेव चेंज का जो ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपका नाम जो है सक्सेसफुल जो है अपडेट हो जाएगा, सक्सेसफुल जो है चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो नाम चेंज हो गया है। मैं आपको फेसबुक प्रोफाइल पर भी ले जा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। पूरी तरीके से बाहर आने के बाद अब इसको हम जो है रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर जो है रोहित चौधरी नाम जो है आ गया है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने फेसबुक पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।